अपनी खुली आंखों से सिद्धियों का प्रत्यक्ष चमत्कार देखिए, पहले इस वीडियो में और फिर अपने बालोद शहर में। संतान के कारण तब धनहानि होगी जब आप अपने घर में कछुआ कुछ पाला है आपने। कुछ कछुआ पाली थी गुरुजी, लेकिन जब परेशानी आया तो मैं उसे तालाब में छोड़ के आ गई। इसको कहते ज्योतिष का रहस्य, आप मछली पालें कछुआ पालें तो आपका बेटा और संतान के कारण धन बर्बादी हो, आगे भी होगी, ठीक है ना? तो इससे बचना। संतान के कारण आपको भारी दुख मिलेगा। आप कछुआ पालेंगी तो आपके जो मामा है ना, मामा पक्ष से आपको मन ही मन बड़ा दुख मिलेगा, बड़ी गुस्सा आएगी, बड़ी चिड़चिड़ाहट होगी। तो कछुआ पालने के बाद मामा पक्ष से दुख मिला या नहीं? मिला गुरुजी। मिला? अरे क्या बात बेटा, तारीख क्या है, जन्म तारीख? 27/7 हाँ 1984 1984। समय? समय दोपहर 1 बजे। कहाँ का जन्म है? ये बस्तर कुंडा गांव का है। बेटा आपकी कुंडली को जांचते हैं। जी गुरुजी। सबके मकान में पहले कमरे में सोफा सेट होता है, कुर्सियाँ होती हैं जी, लेकिन आपके मकान के पहले कमरे में एक पलंग पड़ा है, एक गद्दा पड़ा है। अगर ये कुंडली सही है तो ऐसा है? गुरुजी मेरे हॉल में सोफा लगा हुआ, बेडरूम में पलंग है। सबके बेडरूम में पलंग होता है, हम तो पहले कमरे की बात कर रहे हैं, जहाँ पर अपन घुसते हैं पहले कमरे में, उसमें कोई गद्दा है, तखत लगा है, पाटा जिसको छत्तीसगढ़ में पाटा कहते हैं, या पलंग जी। ये कुंडली बताती है आपको गले में या गले से ऊपर हिस्से में बीमारी हमेशा लगी रहती है। सर दर्द होता है गुरुजी। तो गले से ऊपर ही हुआ ना सर जी। इस कुंडली के हिसाब से आप बहुत सेंटिमेंटल, बहुत भावुक लड़की हैं, सही बात है कि गलत? जी गुरुजी सही है। आपके मकान में अंदर जाकर लास्ट में दरवाजा जो है, जो दरवाजा है जी, इस दरवाजे के पास नीला काला कपड़ा क्या दिखाई देता है? नीले कलर का, नीला काला कलर का कपड़ा दिखाई देता है। कुछ टंगा है यहाँ? पोटली में टंगा है गुरुजी। कपड़ा टंगा है जी। आपकी दिनचर्या हमेशा अस्त व्यस्त रहती है, टाइम बे टाइम खाना, टाइम बे टाइम सोना, किसी काम का समय फिक्स नहीं है, सही बात है? जी सही बात है गुरुजी। सिर दर्द तो रहता है, इसमें भी दिखाई दे रहा। आपको बचपने में सर्दी बहुत जल्दी होती थी, सर्दी कफ कोल्ड, शीत सर्दी जी। क्या जानना चाहती हैं, सवाल करें फिर हम बताते हैं। गुरुजी 2022 से मेरे घर का स्थिति बहुत ख़राब हो गया है। एक्चुअली मेरे मिस्टर आर्मी में थे, रिटायर्ड होके आने के बाद हम लोग का लाइफ जो है अस्त व्यस्त हो गया, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब हो गई है। रिटायर हो गए जी, अभी रिटायर्ड हुए 2022 पे। कोर्ट कचहरी का चक्कर काट रहे गुरुजी, मेरा खुद का स्विफ्ट डिजायर गाड़ी कोई दूसरा अपने नाम में ट्रांसफ़र करवा लिया धोखाधड़ी से, और जॉब के नाम से 14,80,000 का ठगी कर लिया है लड़का। देखो बेटा, आप जब भी गौर करना इस बात, आप जब भी गले के लिए कुछ बनवाएंगी, हार बनवा लें, चैन बनवा लें, जो भी गले में महिलाएं आभूषण पहनती हैं, पहन सकती हैं, तो आप कभी भी गले का कोई आभूषण बनवाएंगी, उसके बाद आप मुश्किल में पड़ेंगी, केस मुकदमे दंड फंद प्रपंच घर में शुरू हो जाएंगे। तो क्या आपने कुछ बनवाया था? जी गुरुजी, मैं मंगलसूत्र बनवाई थी, 2 चैन बनवाई थी सोने का। क्या बात है। और उसके बाद ही मुश्किल खड़ी हुई? हाँ, उसके बाद ही शुरू है गुरुजी, जो परेशानी थमने का नाम नहीं ले रहा है अभी। वो मंगलसूत्र और वो चैन बेचैन कर गई, चैन आपकी, आपको परेशान कर दिया उसने। तो गुरुजी वो चैन भी अभी मेरे पास नहीं है, वो गिरवो रखाया हुआ है। सवाल ये नहीं है क्यों गिर भी रखी जी, ये टॉवेल हमारी है, इधर रख दे, इधर रख दें, चाहे इधर रखें, टॉवेल तो हमारी है ना, चैन तो आपकी है जी। आपकी कुंडली बताती कि आपको जेवर नहीं बनाना चाहिए, जेवर बनाने के बाद आपका धन
पानी की तरह जाएगा, केस मुकदमा होंगे, मुश्किलें खड़ी होंगी, एक समस्या ख़त्म नहीं होगी, दूसरी समस्या शुरू हो जाएगी और आपके घर में चैन, मंगलसूत्र, हार, गले का जो भी बनवाएं, उसके बाद पागलपन घर में आने लगेगा। तो उसके बाद मेंटली डिस्टर्ब कोई व्यक्ति रहने लगा, मानसिक परेशानियां बनने लगीं, ऐसा है या नहीं? तो गुरु जी, जो मैं मंगलसूत्र बनाई हूँ मेरा है, लेकिन मेरे बच्चे के लिए चैन बनवाई थी और मेरे मिस्टर के लिए चैन बनवाई थी मैं, तो क्या मैं मंगलसूत्र को बेच दूँ गुरु जी? है? मंगलसूत्र को ही बेचना है ना, मतलब? बेचना नहीं है, कैसी बात करें, आप हमारी छोटी बहन जैसी। पंडित विनोद दुबे के ज्योतिषी होने के बाद, बातचीत होने के बाद, आपको अगर मंगलसूत्र जैसी पवित्र चीज बेचना पड़ी तो फिर हम ज्योतिष का काम क्यों करेंगे, क्या मतलब? जी गुरु जी, देखो बेटा, कहना नहीं चाहिए, भगवान की कृपा है, टेढ़ी खीर को जो सीधी खीर बना दे उसी का नाम विनोद दुबे। हम अभी आपको बता रहे हैं, हम मुश्किल से मुश्किल ज्योतिष के 25% अभी 25% ओनली 25% ज्योतिष के रहस्य खोल रहे हैं। जिस दिन बड़ी भयंकर भीड़, बड़ा भारी कार्यक्रम होगा, उस दिन हम 100% पत्ते खोलेंगे, लोग हिल जाएंगे, मतलब लोग कुर्सियों से खड़े हो जाएंगे, खड़े कहेंगे बाप रे ये क्या है, वो चीज़ हमारे पास। तो आप हमसे जुड़ी हो, इसका छोटा सा समाधान, एक गोमेद रत्न, गोमेद रत्न चांदी में आप धारण करें, चांदी के गिलास में घर में रखें, चांदी के गिलास में पानी पीना शुरू करें। जी गुरु जी, ठीक है। सुंदरकांड का पाठ आप लगातार सुने, चाहे तो हमारे भविष्य पल चैनल में जुड़ जाएं। जुड़ी हैं कि नहीं? नहीं जुड़ी? नहीं नहीं जुड़ी हूँ सर। उसमें जुड़ जाएं, उसमें सुंदरकांड का पाठ है, उसको लगातार सुने, ठीक है। तो ऐसा करने से आपका ये दोष कट जाएगा और चैन भी वापस आ जाएगी, मंगलसूत्र भी बचा रहेगा और परिवार भी आबाद रहेगा, केस मुकदमे भी समाप्त हो जाएंगे। और कोई सवाल गुरु जी? लेकिन जो मेरा गाड़ी का केस चल रहा है, जो लड़का धोखाधड़ी किया है, वो गाड़ी और जो पैसा गया वो वापस आएगा? संतान के कारण तब धन हानि होगी। देखो ज्योतिष के रहस्य बताते, संतान के कारण तब धन हानि होगी जब आप अपने घर में मछली पाल लेंगे, मछली या कछुआ, कुछ पाला है आपने? कुछ कछुआ पाली थी गुरु जी, लेकिन जब परेशानी आया तो मैं उसे तालाब में छोड़ के आ गई। इसको कहते ज्योतिष का रहस्य, आप मछली पालें, कछुआ पालें, तो आपका बेटा और संतान के कारण धन बर्बादी हो, आगे भी होगी, ठीक है ना? तो इससे बचना, संतान के कारण आपको भारी दुख मिलेगा। आप कछुआ पालेंगी तो आपके जो मामा है ना, मामा पक्ष से आपको मन ही मन बड़ा दुख मिलेगा, बड़ी गुस्सा आएगी, बड़ी चिड़चिड़ाहट होगी। तो कछुआ पालने के बाद मामा पक्ष से दुख मिला या नहीं? मिला गुरुजी। मिला? अरे क्या बात, आपका कछुआ मामा के घर तक चोट कर रहा है, आपको कछुआ नहीं पालना। ऐसे आप सबको बताएं, हमारे ऑफिस में, चैम्बर में जब हम फुर्सत में बैठते हैं, लोग मिलने आते हैं, ऐसे ऐसे रहस्य खुलते हैं, प्याज के छिलके छिलके उतर जाते, यकीन नहीं मानोगे, लोग कुर्सी से ऐसे खड़े हो जाते, कहते हैं गुरुदेव आप भगवान हो क्या? हम कहते हैं अभी भगवान तो तुमने देखे नहीं, ये तो भगवान का नमूना है, सेवक। अब यहाँ तो भीड़ भाड़ रहती है, जल्दी भी रहती है, सबका जवाब भी देना, हो हल्ला भी होता, तो आपको कछुआ नहीं पालना था। कछुआ आपके परिवार के लिए, संतान के लिए, आपकी सेहत के लिए हानिकारक, ठीक है? बस एक तो आप चिंता ना करें, सुंदरकांड सुनना शुरू करें, समस्या हल हो जाएगी। गुरुजी, मेरा कोर्ट कचहरी का केस ऐसा कब तक चलेगा? बेटा ये तो अभी चलेगा, ये तो अभी चलेगा। अपने घर में या घर के पीछे काली गिट्टी का ढेर लगा है, काली गिट्टी रोड में बनती है, उसका ढेर कब से लगा है? केस मुकदमा के आसपास से लगा है, कब से लगा? ये नहीं पता गुरु, क्या केस?
काली गिट्टी रोड बनती है, गिट्टी होती ना गिट्टी जिसमें रोड बनाते हैं, उसका ढेर लगा है ढेर? हाँ साइड में लगा था गुरुजी, लेकिन अभी है कि नहीं नहीं मालूम मेरे को। ये ढेर जब लगा उसके बाद परेशानियाँ ज़्यादा आई हैं? टी वगैरह अभी गिरा है वहाँ पर 2 साल पहले। जी मैं भागवत करवाई हूँ गुरुजी, उसके बाद से शुरू हुआ है। 2022 में मई में मेरे यहाँ भागवत हुआ था और सितंबर से ही मेरे साथ परेशानियाँ शुरू हुई है जो ख़त्म नहीं हो रही है। कुछ गड़बड़ हुई थी क्या? हो सकता है गुरुजी कुछ गड़बड़ हुआ होगा, लेकिन आग नहीं लगी थी। कोई बात नहीं, अब तो भगवान का नाम जपो, हनुमान जी की शरण लो, सुंदरकांड सुनो, मंदिर नहीं जाना। हनुमान जी के मंदिर जाने हम महिलाओं को नहीं कहते, जिनको अपनी मर्जी से जाना है फिर उनको मंदिर में जाके पत्रकार बनना है तो बनी रहे, हम नहीं कहते। तो गुरुजी केस मेरे पक्ष में आएगा या फिर पवन खत्री के पक्ष में चला जाएगा जो पैसा और गाड़ी का है? हनुमान जी की शरण लें तो आपके पक्ष में आ जाए, नहीं लेंगे तो उसके पक्ष में। ठीक। और सरकारी नौकरी का योग है कि नहीं गुरुजी मेरे उसमें? अब इसमें तो नहीं दिखाई दे रहा, एक पर्ची निकाल लो। ठीक, इसमें नहीं दिखा। ठीक।